सब के नाम से फेक सिम निकलवा ले तो क्या करें। देश में कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए फर्जी सिम का इस्तेमाल होता है। इस काम के लिए किसी के आधार की फोटोकॉपी या फिर पीडीएफ चुराकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आधार की फोटोकॉपी चोरी हो जाए तो क्या करें, ताकि इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने लोगों की समस्या के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति tafcop.dgtelecom.gov.in वेब पोर्टल पर जाकर बहुत ही आसानी से ये पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम जारी किए गए हैं। अगर आपके आईडी प्रूफ के आधार पर कोई दूसरा किसी फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से उस नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक आईडी प्रूफ के आधार पर अधिकतम 9 सिम जारी किए जा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया, इसके लिए सबसे पहले आपको दूरसंचार विभाग के वेब पोर्टल tafcop.dgtelecom.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद आपको वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी दर्ज करते ही आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर उन नंबरों की लिस्ट सामने आएगी जो आपके आईडी प्रूफ पर चल रहे हैं। अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम चल रहा है तो वहीं पर आप उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। पोर्टल पर आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपके द्वारा फर्जी नंबर की शिकायत की जांच की जाएगी। अगर नंबर आपकी आईडी पर चलता पाया गया तो इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आज आपने जाना कि अगर आपके आधार की फोटोकॉपी चुरा के आपके नाम से फेक सिम कार्ड खरीद लें तो क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।